हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस आर्ट। आई एम लीना जैन। फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट लोगो डिजाइन इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट की साइज आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ 1280 रखूंगी, हाइट 720 रखेंगे, पिक्सल्स में ही रखना है, रिजोल्यूशन 300 रखेंगे। कलर मोड आरजीबी कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जीरो की प्रेस करेंगे। अब हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल करना है, तो आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट है ऑलरेडी। अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो जाएगा। अब इसमें ब्लैक कलर फिल करने के लिए ऑल्ट की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप फॉन्ट देख सकते हैं, कार्टर वन करके जो फॉन्ट है वो यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको यूज करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पे टाइप कर लूंगी टेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अब इसकी साइज बढ़ानी है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और फिर ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से ढक करेंगे बाहर की तरफ। और अब इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। टेक्स्ट का कलर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर यूज किया है मैंने, इसका हैश कोड 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद रेक्टेंगल टूल है, वहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एलिप्स टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके शेप सिलेक्टेड हो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे एक बार और फिर एंटर की प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे एलिप्स क्रिएट कर लेंगे। ये इस तरह से बड़ा एलिप्स बनाना है आपको, इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे 80% कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है एलिप्स वन की, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जे की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर बन गई। अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और डाउन एरो की से इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेंगे और इसकी साइज कम कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एलिप्स को एडजस्ट करना है। इसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे। अब हमें इन दोनों एलिप्स की लेयर को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए एलिप्स वन पे क्लिक करेंगे। ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। इसके बाद लेयर मेन्यू में जाना है और यहां से कंबाइंड शेप्स के अंदर सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप इसे सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट रिमूव हो गया। इसके बाद हम यहां से इरेजर टूल सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे ब्रश को घुमाना है, लेकिन यहाँ पे ये डिसेबल है आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेस्टराइज लेयर इसे सिलेक्ट करना है और अब यहाँ पे ब्रश को घुमा लेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट रिमूव कर दिया हमने। अब ये एलिप्स का जो पार्ट बच रहा है उस पर हमें सिलेक्शन बनाना है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गया। अब हम इसे ऑफ कर लेंगे और ये टेक्स्ट की जो लेयर है पीएस करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करना है और यहां से रेस्टराइज टाइप इस पर क्लिक करेंगे। अब हम डिलीट की प्रेस करेंगे। अब इसे डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी की प्रेस करेंगे और फिर एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इसे ऑन कर लेंगे और इसे सिलेक्ट करना है और फिर इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे 100% कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद टेक्स्ट की जो ओरिजिनल लेयर है पीएस करके उसे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे लेसो टूल है वहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है इसके हाफ पार्ट पे टेक्स्ट के। आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गया। अब हम इस सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करेंगे
और यहाँ से लेयर वाया कट इस पे क्लिक करना है। ये टेक्स्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसे ऑफ करके देखेंगे आप देख सकते हैं। अब हम कंट्रोल की को होल्ड करते हुए एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इस पे क्लिक करेंगे, ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और डाउन एरो की से इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और अब टॉप एरो की से इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और अब लेयर वन को सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और टॉप एरो की से इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से इरेजर टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये थोड़ा सा व्हाइट पार्ट दिख रहा है तो इसे रिमूव करना है। तो पहले मैं इरेजर की साइज को कम कर लूंगी, 20 पिक्सल कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और अब यहाँ पे घुमाना है ब्रश को। आप देख सकते हैं व्हाइट पार्ट जो बाहर निकल रहा था वो रिमूव हो चुका है। अब हम लेयर वन और एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इन दोनों लेयर को मर्ज करेंगे। तो इसके लिए आपको इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लेयर वन सिलेक्टेड है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। अब इन्हें मर्ज करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए ई की प्रेस करेंगे। ये मर्ज भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसे ऑफ करके। इसके बाद एलिप्स वन कॉपी करके जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। ब्लेंड मोड नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 100% रखेंगे और ग्रेडियंट हमें चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं हैश कोड टाइप कर लूंगी 007E0E। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर ही रहने देना है। आप देख सकते हैं इसका हैश कोड 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाइन विथ लेयर को चेक करना है। स्टाइल में लीनियर रखना है आपको, एंगल 90 डिग्री रखेंगे और स्केल की वैल्यू 100% रखना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पीएस करके जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लेंड मोड नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 100% रखेंगे, अलाइन विद लेयर को चेक रखना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 007200 है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है। स्टाइल में लीनियर रखना है, एंगल 90 डिग्री रखेंगे और स्केल की वैल्यू 100% रखना है और यहाँ पे रिवर्स को चेक करेंगे क्योंकि हमें ऑरेंज कलर ऊपर की तरफ चाहिए। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे टाइप कर लेंगे आर्ट। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ फॉन्ट चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से कूपर प्लेट गोथिक बोल्ड सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर आप देख सकते हैं व्हाइट सिलेक्टेड है, इसका हैश कोड 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे। अब हमें इसकी साइज बढ़ानी है तो ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से ढक करेंगे बाहर की तरफ और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और अब आर्ट करके जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ब्लेंड मोड नॉर्मल रखेंगे, ओपेसिटी 100% रखना है, अलाइन विद लेयर को चेक रखना है और ग्रेडियंट हमें चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम ब्लैक की जगह दूसरा कलर दे देंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 007E0E। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्हाइट की जगह दूसरा कलर देना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 2CF693। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे
और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है। स्टाइल में लीनियर रखेंगे, एंगल 90 डिग्री रखना है और स्केल की वैल्यू 100% रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हम इन सबको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले सारी लेयर सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी, कंट्रोल की को होल्ड करते हुए क्लिक करना है। ये तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और डाउन एरो की से इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेंगे और राइट एरो की से इसे थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो डिजाइन हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। So friends, I hope you like this video. If you are a new visitor, then please subscribe to this channel and press the bell icon.